शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की कोर्ट में पेशी। ईडी ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का किंग पिन बताया और 10 दिन की रिमांड मांगी। राउस एवेन्यू कोर्ट परिसर में सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। जस्टिस खन्ना की बेंच को केजरीवाल के वकील ने दी जानकारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बवाल, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ाकर पुलिस ने पीटा। हंगामा कर रहे लोगों पर की गई पानी की बौछार। चंडीगढ़ में बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के समर्थकों का हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे लोगों पर की गई पानी की बौछार। जयपुर में बीजेपी दफ्तर की तरफ से जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बरसी लाठियां, पुलिस वालों ने खदेड़ कर पीटा। श्रीनगर में लाल चौक पर आप के कुछ लोगों ने की प्रदर्शन की कोशिश, सुरक्षा बल के जवानों ने सभी को हिरासत में लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आईटीओ चौराहे पर बवाल, पुलिस और आप के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बल के जवानों ने जबरन उठाया। सड़क पर डटी मंत्री और पार्टी के दूसरे बड़े नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया। मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जबरन बस में बिठाया गया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल पर कार्रवाई को बताया केंद्र की तानाशाही, कहा पुलिस कर रही है गुंडागर्दी। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कानून के ऊपर कोई भी नहीं, केजरीवाल कानून अपना काम कर रहा है, दिल्ली की जनता खुश है, लोकतंत्र की जीत हुई। गुजरात के अहमदाबाद में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, प्रदर्शन कर रहे आप समर्थकों को जबरन हिरासत में लिया गया। जम्मू में भी सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगाए गए नारे, मोदी सरकार पर बोला हमला। सीएम केजरीवाल के समर्थन में उतरे डीएमके के लोग, चेन्नई में गिरफ्तारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुंबई के बांद्रा में कलेक्टर दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी। गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही आप, अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे। केरल में केजरीवाल के समर्थन में उतरी कांग्रेस, तिरुवनंतपुरम में सड़कों पर उतरकर गिरफ्तारी का किया विरोध। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे बोले, शराब नीति के खिलाफ मैंने 2 बार पत्र लिखकर मना किया था, गिरफ्तारी से दुख पहुंचा। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, गली मोहल्लों में लगाई गई पुलिस, टीडीओ मार्ग पर निकला पुलिस का मार्च। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया, कहा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, दिल्ली की जनता खुशी मना रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे दिल्ली, केजरीवाल के घर पहुंचकर परिवार वालों का हालचाल जाना। केजरीवाल के घर से ईडी को मिला 150 पन्नों का दस्तावेज, ईडी के 2 अधिकारी का दस्तावेज में जिक्र। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल के घर से कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी किए जब्त। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर ईडी के आरोप, अपराध के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। दिल्ली के सीएम को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का बयान, कहा केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल के समर्थन में उतरे शरद पवार बोले, लोकतंत्र का गला दबाया गया, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना उचित नहीं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह बोले, 9 समन में एक बार भी पेश नहीं हुए केजरीवाल, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। लालू प्रसाद यादव ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लिखा, हार का भय है, मोदी सरकार का जाना तय है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का हमला तेज, शराब घोटाला मामले में जेल जाने वाले आप नेताओं का उड़ाया मजाक, दिल्ली बीजेपी ने जारी किया वीडियो। केजरीवाल के घर पहुंचे दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले, केजरीवाल के परिवार से किसी को मिलने नहीं दे रहे, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया, देश से लोकतंत्र हटाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, घोटाला कर जेल जाने के बाद सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे केजरीवाल, भ्रष्टाचार की किसी को छूट नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी ने किया पोस्ट, लिखा उन्होंने, चुनाव के चलते दिल्ली के सीएम केजरीवाल को टारगेट करना गलत। दिल्ली शराब घोटाले में किए कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर विचार करने से किया मना, बेल के लिए निचली अदालत जाने को कहा। दिल्ली में बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच विधानसभा का विशेष सत्र रद्द, अब 27 मार्च को होगा सत्र। भूटान दौरे पर पीएम मोदी का थिम्पू के पारो एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, स्कूली छात्रों और भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। भूटान की राजधानी थिम्पू में गरबा से प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम, मोदी के लिखे गीत पर कुछ लड़कियों ने खेला गरबा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, तमिलनाडु की 4 सीट पर उम्मीदवार फाइनल,
इससे की बाकी 5 सीट पर 27 मार्च को लगेगी मुहर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की चौथी लिस्ट, पुदुचेरी से 1 और तमिलनाडु के 14 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां इस बार लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य मैदान में दिखाएंगी दांव।